कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए इंदौर में बुधवार 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जनता कर्फ्यू लगाया गया। इस दौरान पुलिस व प्रशासन द्वारा अधिक सख्ती की जाएगी। इस दौरान अनावश्यक घूमने वाले व कार्यवाही का विरोध करने वाले गिरफ्तार किए जाएंगे। मॉर्निंग वॉक पर भी प्रतिबंध रहेगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय भी बंद किए जा रहे हैं। वहीं कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि अस्थायी सब्जी मंडी भी बंद कराई जाएगी। चुनिंदा पेट्रोल पंप भी चालू रहेंगे। अप्रैल तक जनता कर्फ्यू लगाया जा रहा है। ये सभी की मांग भी है, शहर में बहुत लोगों ने मांग की है और सभी स्तर पर मांगे गई हैं कि सब जिस तरह की परिस्थिति है संक्रमण की, थोड़ा इसकी स्पीड को रोकने के लिए कुछ समय के लिए जनता कर्फ्यू होना चाहिए। तो कल से हम लोग उसका सुबह से इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। जनता कर्फ्यू का तात्पर्य है कि सभी लोग अनावश्यक नहाने निकले अपने घरों से, घरों में ही रहें अपने। तो उसकी तरह सुबह मॉर्निंग वॉकर्स भी बंद, कार्रवाई एक्टिविटी बंद रहेगी, सुबह से ही पुलिस रहेगी, ना कोई खेलने जाएगा, सब घरों में रहेंगे। 30 तारीख तक की बात है, घर में रहें। मॉर्निंग वॉक में देखा गया है कि लोग झुंड में घूमते हैं बिना मास्क के और बहुत वॉयलेशन होता है और कहीं भी कोविड प्रोटोकॉल पालन नहीं होता है। तो मॉर्निंग वॉक बंद की जा रही है, कल से सुबह से ही शुरू की जाएगी। केवल सारे कार्यालय बंद किए जा रहे हैं, सारे, चाहे केंद्र सरकार के हों चाहे राज्य सरकार के हों, सारे कार्यालय बंद रहेंगे, कोई मूवमेंट अलाउड नहीं रहेगा। केवल अत्यावश्यक सर्विसेज के जो कार्यालय हैं, फायर ब्रिगेड हो गया, नगर निगम हो गया, रेवन्यू, पुलिस या इससे जुड़े हुए जो अभी फायर इसमें लगे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, जो लगे हैं वो अलाउड रहेंगे। केवल इंडस्ट्रीज, उनके प्रबंधन जो सुपरवाइजरी स्टाफ है 25% पे आ सकेगा। नंबर टू ट्रांसपोर्ट नगर में मैंने एसोसिएशन से बोला है कि वो सीमित संख्या में कैसे ट्रांसपोर्ट गतिविधि कर सकते हैं बिना कोई हल्ला गुल्ला के या कोई कोविड का उल्लंघन, वो सुनिश्चित करें कल से। और तीसरा गोडाउन्स, तीन चीज़ ही वर्किंग हो सकेगी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सारी बंद कर रहे हैं, वो भी नहीं हो सकेगी। सारी जो हाट बाज़ार फिर लगने लग गई थी, आदेश में मना किया गया था फिर भी लगने लगी थी, इनको कल सख्ती कर रहे हैं। कल से कोई भी जो हाट बाज़ार लगती है, चाहे चौधरा मंडी के बाहर लगे चाहे अन्य जगहों पर लगे, सख्ती से हटाया जाएगा कल इसको। इसमें थाने स्तर पर नगर निगम, मजिस्ट्रेट और TI तीन की टीम संयुक्त रूप से चलेगी। ऊपर सभी लेवल पर CSP SDM साथ में रहेंगे, एडिशनल SP DM रहेंगे। अनावश्यक रूप से मूवमेंट बहुत लोग कर रहे हैं। सब्जी किराना दूध लेना है तो अपने जहाँ घर है उसके निकट स्थान पर जाके ही आप लीजिए। अगर कोई आपका मोहल्ले से बहुत दूर कोई पाया जाता है इस नाम से कि वो सब्जी किराना या फल खरीदने गया है तो गलत माना जाएगा। कल से अरेस्ट शुरू होगी, जो अनावश्यक पाया जाएगा उसकी गिरफ्तारी होगी, अस्थायी जेल पे उनको सीधे डाला जाएगा, उनको 151 में। इंदौर से UD News के लिए राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट।